नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पितृ दोष के बारे में। घर बैठे आप कैसे जाने कि आपकी कुंडली में यह दोष उत्पन्न हो रहा है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। और यदि यह पितृ दोष आपकी कुंडली में बनता है तो उसका क्या निवारण आप करें घर बैठे ही, बिना किसी लंबी चौड़ी पूजा पाठ के, बिना किसी पंडित की सहायता से आप खुद स्वयं भी इस दोष का निवारण कर सकते हैं घर बैठे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको इस दोष का निवारण प्राप्त हो सके। हो सकता है आपकी कुंडली में यह दोष है जिसके कारण आप अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि कब यह पितृ दोष बनता है हमारी कुंडली में। अब पितृ के नाम से ही जैसे जानते हैं, पितृ मतलब होता है पूर्वज। यदि आपके घर परिवार में किसी की भी मृत्यु अचानक से हो गई है बीमारी के कारण या कोई एक्सीडेंट के कारण, अर्थात उन्होंने अपना पूरा जीवन काल नहीं भोगा है और अचानक से वे मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो वे पितरों की योनि में आ जाते हैं, तो उससे भी हमारे घर परिवार पर पितृ दोष उत्पन्न हो जाता है। या आपके घर परिवार में पूर्व जनों को याद नहीं किया जाता है, अर्थात जो आपके पूर्वज है किसी भी विशेष ओकेजन पर, शादी में या कोई विशेष फंक्शन पर उनको याद नहीं किया जाता है, ना तो उनको भोग लगाया जाता है, ना ही उनका नमन किया जाता है, ना ही श्राद्ध पक्ष पर उनको याद किया जाता है, तो भी यह दोष आपके जीवन पर लगता है दोस्तों। तो यह तो सिंपल लक्षण मैं आपको बता रही हूं कि पितृ दोष बिना कुंडली के हम कैसे जान पाए। यदि आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी होती है संतान पक्ष से, या तो संतान उत्पत्ति में बाधा होती है, या संतान उत्पत्ति होती है तो वह विकलांग होता है, मन बुद्धि का होता है, या फिर संतान उत्पत्ति हो भी गई है तो वह आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है, तो आपकी कुंडली में पितृ दोष अवश्य है। इस तरीके से हम यह जान सकते हैं। और आपके किसी भी कार्य में सक्सेस नहीं मिलती है तो भी आपकी कुंडली में पितृ दोष है। उसके अलावा पिता से यदि आपको कष्ट प्राप्त होता है या पिता से आपकी नहीं बनती है तो भी आपके पितृ दोष के लक्षण पाए जाते हैं जीवन में। यानी कि कहने का मतलब है आपके जीवन में आपको मनचाहा सक्सेस नहीं प्राप्त होता है, घर में भी गृह कलेश का वातावरण बना रहता है, तो अवश्य ही आपके पितृ दोष है दोस्तों। और कुंडली में कैसे देखें हम, बहुत ही आसान वे में, तो यदि सूर्य की शनि से युति हो रही है या फिर राहु केतु से युति हो रही है तो पितृ दोष उत्पन्न होता है। यानी कि सूर्य की युति यदि इन तीनों ग्रहों में से किसी एक ग्रह से भी हो रही है तो यह दोष उत्पन्न होता है हमारी कुंडली में। अब यह योग कहां पर स्थित होता है तो ज्यादा प्रभाव होता है यदि यह योग आपके नाइन्थ हाउस में है, यानी कि यहां पर युति हो रही है सूर्य प्लस शनि की, या फिर सूर्य प्लस राहु प्लस केतु, किसी भी ग्रह की युति हो रही है तो यह दोष बनता है कुंडली में। उसके अलावा फर्स्ट हाउस में भी यदि यह युति हो रही है तो यह दोष बनता है। उसके अलावा फोर्थ हाउस में भी यदि यह युति हो रही है तो भी यह पितृ दोष आपकी कुंडली में बनेगा। और फिफ्थ हाउस में भी हो रही है तो भी यह दोष कुंडली में बनेगा। और टेंथ हाउस में हो रही है तो भी यह दोष कुंडली में आपके बनेगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि यह पिता का घर माना गया है, तो पिता से आपको कष्ट होगा, आपकी उनसे नहीं बनेगी। यह संतान पक्ष का घर माना जाता है तो संतान से कष्ट होगा। यदि इस हाउस में आपके पितृ दोष यानी कि इन ग्रहों की युति है तो ये पितृ दोष की श्रेणी में माने जाते हैं। फोर्थ हाउस में है तो सुख सुविधाओं में वृद्धि नहीं होगी, आप कितना ही जतन कर ले आपके जीवन में आपको कभी भी सक्सेस नहीं प्राप्त होगी। अब यदि आपके फर्स्ट हाउस में ही युति है तो आपके खुद को स्वयं को कष्ट होगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको परेशानी होगी, आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, ग्रह कलेश भी बहुत अधिक आपके जीवन में रहेगा, मानसिक आपको शांति बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि शनि राहु केतु ये बहुत ही क्रूर ग्रह होते हैं, जिन भी ग्रहों से इनकी युति होती है तो वह परेशानी का कारण बनते ही है दोस्तों।
सूर्य शनि राहु केतु नीच राशि में नहीं होने चाहिए, तब ज्यादा स्थिति भयावह हो जाती है। सूर्य अर्थात तुला राशि में नहीं होना चाहिए, शनि जो है मेष राशि में स्थित नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ पर आपके ये टेंथ हाउस है, यहाँ पर युति है, यदि यहाँ पर एक नंबर लिखा है और शनि और सूर्य की युति हो रही है या शनि या राहु केतु की युति हो रही है, कोई भी ग्रह यदि नीच अवस्था में है तो ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन में पड़ेगा। राहु केतु 8 और 9 नंबर राशियों में नीच के होते हैं, केतु देव 2 और 3 नंबर राशियों में नीच के होते हैं। किस कोई भी ग्रह युति कर रहा है, यदि कोई भी ग्रह नीच राशि में स्थित होता है तो जब नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। अब उस अवस्था में हमें उपायों का सहारा लेना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट उपाय यही है कि अमावस्या का दिन फिक्स होता है पूर्वजनों को याद करने का। हर महीने की अमावस्या को आप मीठे का भोग अवश्य लगाए। मीठा आप घर पर भी बना सकते हैं या बाजार से मिठाई लाकर भी भोग लगा सकते हैं। अब भोग आपको कैसे लगाना है, कंडा जलाकर आपको बकायदा जैसे जोत लेते हैं उस तरीके से आपको मीठे का भोग लगाना है। पूर्वजनों को याद करते हुए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्हें आप ऐसी अरदास करिए कि हे पूर्वजनों, हमारे से जो भी गलती हुई है उन्हें हम क्षमा दान करिए और हमारे जीवन में आप अच्छा फल हमें प्राप्त करवाइए। और अमावस्या के दिन आप ब्राह्मणों को भोजन भी करवा सकते हैं या किसी भी गरीब को आप दान अवश्य करें। आपकी जितनी भी श्रद्धा है उतना दान करिए किसी भी गरीब को, जो जरूरतमंद है उसको आप दान करिए या फिर भोजन कराएं। आप घर पर नहीं बुलाकर भोजन करवा सकते हैं तो आप मंदिर में जाकर भी दान दक्षिणा दे सकते हैं या ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं या भोजन के पैकेट आप गरीबों में भी बांट सकते हैं। हर अमावस्या को आपको यदि आप यह उपाय अपनाएंगे तो अवश्य ही आपकी कुंडली से पितृ दोष से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। कुंडली में यह दोष आपके खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में आप सक्सेस को प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों दूसरा तीसरा उपाय है कि किसी भी मंदिर धर्मशाला या वृद्धा आश्रम में आप दान करें या उनका जब निर्माण होता है तो अपने श्रद्धा के अनुसार उसमें आप कुछ दान दें ताकि उनके निर्माण में सहयोग प्राप्त हो, तो यह बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है। किसी भी मंदिर के आप जो भी जीर्णोद्धार होता है या नया मंदिर बनता है, धर्मशाला बनती है या कोई स्कूल बनता है तो उसमें आप अपने श्रद्धा के अनुसार दान करें। वृद्धा आश्रम में जाकर आप दान करेंगे, किसी विकलांग की मदद करेंगे दवाई के रूप में, कपड़े के रूप में, तो वह बहुत अधिक अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार से कन्यादान अवश्य करें। किसी भी गरीब का कन्यादान यदि आप करेंगे या सामूहिक विवाह होते हैं उसमें भी आप थोड़ी सी दान दक्षिणा देंगे तो भी आपकी कुंडली से पितृ दोष अवश्य आपको मुक्ति प्राप्त होगी पितृ दोष से। इसी प्रकार से वृक्षारोपण आप अधिक से अधिक करें। मंदिर में आप वृक्षारोपण कर सकते हैं या किसी भी स्थान पर जहां वृक्ष अधिक से अधिक लगाए जाते हैं वहां पर आप वृक्षारोपण करेंगे तो उसका फल भी आपको प्राप्त होता है। एक ऐसा कार्य होता है वृक्षारोपण जो कि बहुत जन्म से जन्म का कोई भी दोष हो उसका निवारण हो जाता है वृक्षारोपण यदि आप करते हैं। दोस्तों अज्ञानतावश हम कभी कभी ऐसे वृक्ष काट देते हैं जो कि बहुत ही फूल और फल से लदे रहते हैं तो उस कार्य को करने से भी हमारी कुंडली में दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से अब सूर्य शनि राहु केतु आपने देख लिया कुंडली में कौन से ग्रह की युति से आपके पितृ दोष बन रहा है तो उस ग्रह को आप उपायों के माध्यम से शांत करिए। अब सूर्य शनि राहु केतु का आप दान करिए। सूर्य के लिए आप लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, गेहूं गुड़ का दान कर सकते हैं। शनि के लिए आप काले नीले वस्त्र दान कर सकते हैं, उड़द की दाल हो गई, चाय पत्ती होगी, सरसों का तेल हो गया, इत्यादि चीजों का दान कर सकते हैं। राहु केतु के लिए आप मछलियों को दाना खिला सकते हैं, केतु के लिए आप कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं। इस प्रकार से आप दान कर सकते हैं, लेकिन दान करने से पहले आप कुंडली में देख लीजिए कहीं सूर्य तो आपके पॉजिटिव नहीं है। यदि सूर्य पॉजिटिव है, शनि की युति हो रही, शनि नेगेटिव है तो केवल आपको शनि का उपाय करना है, सूर्य का उपाय आपको नहीं करना है, सूर्य का दान नहीं करना है। इसी प्रकार से राहु केतु यदि पॉजिटिव हो गए यानी कि उच्च राशि में स्थित हो गए, युति भले ही हो लेकिन यदि वे उच्च राशि में स्थित हो गए तो उस अवस्था में आपको दान नहीं करना है। तो इसलिए आप एक बार कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा लेंगे तो ज्यादा आपको सटीक जानकारी प्राप्त हो पाएगी। लेकिन आप
दान करने से पहले इन चीजों को देख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब शनि के लिए आप पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करिए, सरसों के तेल का दीपक जलाएं आप हर शनिवार और उसकी परिक्रमा अवश्य करिए पीपल के पेड़ की। तो इससे यह कार्य यदि आप करेंगे तो भी आपको पितृ दोष से अवश्य निजात प्राप्त होगा। यह दोष ऐसा होता है कि नाम से ही लोग बाग घबरा जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी पूजा पाठ करवा लेते हैं। एक दिन की पूजा पाठ से कुछ भी नहीं होता है। आप अपने से बड़े लोगों का मान सम्मान जरूर करें, उनको याद करें, हर अमावस्या पर उनको मीठे का भोग लगाएं और कोई भी विशेष पक्ष आपके जीवन में होता है, जैसे कोई शादी हो गया, नामकरण संस्कार हो गया, गृह प्रवेश हो गया, तो उनके नाम का भोग लगाना बिल्कुल भी नहीं बोले। अर्थात उनको याद करना, नमन करना बहुत जरूरी है हमारे पूर्व जन्म को, ताकि उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके और इस जन्म में आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं हो। इसके अलावा जो भी आपके पूर्व जन्म है, जो भी आपके जो गुजर चुके हैं, जैसे आपके पिताजी है, माताजी है, तो उनकी फोटो आप अपने घर में दक्षिण दिशा में लगाकर उनके ऊपर फूल हार चढ़ाएं, हर अमावस्या को उनका नमन करें, और रोज भी यदि नमन करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन हर अमावस्या को जरूर उनके नाम का भोग अवश्य लगाएं। यदि आप इन कार्यों में से कोई भी कार्य अपनाते हैं पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ, तो अवश्य ही यह दोष आप खुद अपनी कुंडली से निजात प्राप्त कर पाएंगे। इस दोष से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी यदि आप इन कार्यों में से कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी उपाय अपनाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों, और आपके कोई भी सुझाव हो सकता है आप मुझसे ज्यादा जानते हो तो उस कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं। कोई भी यदि त्रुटि भी हो गई है तो भी कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। और आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं, उसे सॉल्व करने का प्रयास मैं जरूर करूंगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।